कस्बे में धारा 144 लागू होने के बावजूद चोरों ने एक पैथोलॉजी लैब का शटर उखाड़कर नकदी समेत करीब 4.5 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को इस मामले की शिकायत की, जिसमें पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। आपको बता दें, लंढोरा में शोभा यात्रा को लेकर शनिवार से लेकर रविवार तक धारा 144 लागू थे। इसके चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। पहले इसके चोरों ने पुलिस से बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, साथ ही पुलिस के पहरे और गश्त को हवाई साबित कर दिया। आपको बता दें कि मंगलौर क्षेत्र के बिजौली निवासी आज मोहम्मद के लंढोरा स्थित अमन मार्केट में पैथोलॉजी लैब है, जहां रविवार की शाम को वह योजना तैयार रोजाना की तरह लैब पर करके घर के लिए चला गया। रात को किसी समय चोरों ने पैथोलॉजी लैब का शटर उखाड़ा और शटर उखाड़कर 7,000 रुपए की नकदी और करीब 3 लाख की मशीनें, एक इन्वर्टर, बैटरी और 1 लाख की कीमत का केमिकल चोरी कर लिया। सोमवार सुबह जब पड़ोसी ने शटर का ताला टूटा देखा तो सूचना आश मोहम्मद को दी। सूचना मिलते ही वह मौके से पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। चौकी प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि जल्द ही इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। खानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। और सेल काउंटर बायोकेमिस्ट्री चोरी हुई है। क्या कीमत रही होगी? सेल काउंटर की 2,40,000 और सीबीसी की 1,20,000। एक बैटरी और इन्वर्टर है, 18,000 का। दोनों का कैसे पता चला आपको? सुबह जब मॉर्निंग में लड़का आता था ना, जो 8 बजे, उसने मेरे पास कॉल की। उसने कहा शटर जो है ना फटा हुआ है, तो मैं सुबह एकदम आया, उस लड़के ने खोल के देखा। उसके बाद आगे देखा तो पुलिस को कंफर्म किया, पुलिस आई, पुलिस ने देखा तो खोल के, उसमें बाद में पता चला है सेल काउंटर और बायोकेमिस्ट्री और इन्वर्टर बैटरी गायब है।